जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले जम्मू के युवा प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज युधवीर सिंह चरक के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। युधवीर चरक का जन्म जम्मू के डोगरा नगर मुठी में 13 दिसंबर 1997 को हुआ। उनके पिता धर्म सिंह चरक हैं और युधवीर की कुल 5 बहनें हैं। उनकी बहन प्रीति चरक युधवीर के क्रिकेट संघर्ष को बहुत सराहती हैं। जम्मू में ही युधवीर ने अपना क्रिकेट प्रशिक्षण अदनान बाफना की एकेडमी में लिया, साथ ही वे विवेक सिंह को भी अपना क्रिकेट मेंटर मानते हैं। युधवीर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टाइनी ट्रॉट्स जम्मू से की और फिर वे देहरादून शिफ्ट हो गए। देहरादून में उन्होंने पहले केसी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया और फिर पैसलवीड इंटरनेशनल स्कूल में बोर्डिंग कर अपनी पढ़ाई पूरी की। 2019 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में युधवीर चरक ने हैदराबाद के लिए चंडीगढ़ के विरुद्ध अपना T20 पदार्पण किया और 4 ओवरों में 37 रन देकर 2 विकेट लिए। हैदराबाद ने 5 विकेट से इस मैच को जीता और युधवीर की बल्लेबाजी का नंबर नहीं आया। 2019 की रणजी ट्रॉफी में पंजाब के विरुद्ध हैदराबाद के लिए युधवीर ने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण किया। हालांकि युधवीर समेत हैदराबाद के लिए ये मैच भुला देने लायक रहा और उन्हें पारी और 125 रन की भारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में युधवीर चरक केवल एक ही विकेट प्राप्त कर पाए, लेकिन लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता ने सबको प्रभावित किया। युधवीर के दमदार गेंदबाजी प्रदर्शनों के चलते 2020 के आईपीएल एडिशन के लिए मुंबई इंडियंस टीम ने उन्हें नेट प्रैक्टिस के लिए दुबई बुलाया और इसके अगले साल के ऑक्शन में चरक को उनके 20 लाख के बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया। एक नेट सेशन के दौरान युधवीर ने अपनी गति से हार्दिक पंड्या का बल्ला तोड़कर आईपीएल शुरू होने से पहले ही सुर्खियां भी बटोरनी शुरू कर दी थी। ये था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।